एक खाली स्लाइड ओपन करो, ओके हो गया। उसके बाद इंसर्ट में जाओ, दिया गया लिंक में आप डाउनलोड करके अपना फोल्डर में रख देना है। जो भी आप फोल्डर चूज करना है कर लो, और सारा को ओपन करना है यहाँ पे स्लाइड में। ओके, जूम आउट करने के बाद उसको सारा ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर लेते हैं। अभी हमारे बीच में रुका बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड को हम रिसाइज कर लेते हैं, स्लाइड के हिसाब से फिट कर लेते हैं साइड स्लाइड के साथ, जो कि परफेक्ट दिखेगा। अभी ट्री को हम साइजिंग करवाते हैं उसको पोजीशन में। इस वाला ट्री को यहाँ पे रखते हैं, सही थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं। ओके, सेंटर में रखो, जैसे कि स्लाइड हम मूव करवाएंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरा को यहाँ पे रख लेते छोटा करके, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहेगा ना, इसीलिए छोटा करना ज़रूरी है, व्यू अच्छा दिखेगा। और इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और उसका पोजीशन ये दे देते हैं। चलो ठीक है, ओके। चलो सेकेंड ट्री को सिलेक्ट करके लेके आओ, यहाँ पे इसको रख देते हैं, छोटा कर लेते हैं, व्यू अच्छा रहेगा। देन ओके ओके, परफेक्ट रहेगा। चलो ठीक है, ओके। चलो सारा को ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्री बैकग्राउंड और दूसरा ट्री सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके उसको ग्रुप कर लेते हैं। हो गया, ए वाला ट्री को भी ग्रुप कर लेते हैं उसके साथ। ओके ग्रुप। चलो कॉपी करने का आसान तरीका बताता हूँ, कोई भी सिलेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करना है तो राइट क्लिक एंड ड्रैग, इस तरह से कॉपी हो जाएगा। और चलो राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक एंड ड्रैग कॉपी है। ओके हो गया, उसको अलाइनिंग करके एक जगह पर रख लेते हैं जैसे कि पता नहीं चलेगा। ओके डन हो गया। चलो दोनों को सिलेक्ट करके अनग्रुप कर लेते हैं, अनग्रुप हो गया। अभी दोनों स्लाइड सिलेक्ट किए कर लो, दोनों डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एंड ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ग्रुप बना दो, और दोनों ट्री फ्रंट वाला ट्री को भी ग्रुप बनाने का है। ओके ग्रुप, और फ्रंट ट्री इसको भी ग्रुप बना दे, फॉर्मेट ऑफ एंड ग्रुप हो गया। अभी एनिमेशन टैब में जाने का है, सिलेक्ट करना है और एनिमेशन टैब एड एनिमेशन एंड लाइन एनिमेशन, हम उसको ड्रा करके पोजीशन में ले लेते हैं ओरिजिनल पोजीशन, जैसे कि लेफ्ट की तरह स्लाइड मूव होना चाहिए। चलो डन हो गया, ओके। और एनिमेशन पेंटर के थ्रू हम लोग ट्री को भी हम इसको पेंट कर लेते हैं, वो भी मूव होगा उसके साथ। अभी एनिमेशन पैनल में जाके टाइमिंग में चलते हैं, और उसका हम ड्यूरेशन 5 सेकेंड दे लेते हैं, आपके हिसाब से आप दे सकते हो, और रिपीट 5 टाइम्स अपना ऊपर डिपेंड करता है। और एंड एंड स्टार्ट स्मूथ दोनों को 0 करना है। ओके अभी हो गया, सॉरी अभी हुआ नहीं, लेकिन इसको हम स्टार्ट विद प्रीवियस करवा देंगे ट्री वाला एनिमेशन को। ओके हो गया, अभी दोनों एक साथ ही जाएगा। टाइगर को हम लोग लेके बैकग्राउंड में रख लेते हैं, जो कि वो फ्रंट में आ जाना चाहिए, फ्रंट ब्रिंग फॉरवर्ड, तो फ्रंट आ गया। और वो फ्रंट वाला ट्री को बीचों बीच जैसे रहेगा, और ट्राइगर को रिसाइज करने के बाद यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं जिसकी व्यू अच्छा रहेगा। ओके और सब कुछ डन हो गया है, अभी बस प्ले करने का एनिमेशन बाकी है, बस हो गया। अभी प्रीव्यू मारेंगे तो हो जाएगा प्रीव्यू, तो ये बेहतरीन दिख रहा है। आप हमारे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर लेना, थोड़ा सपोर्ट करोगे तो हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा।